मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू सुनिधि व्लॉग्स। आपका मेरे व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज का व्लॉग जो है कार से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं शंकर रोड पे, फायर स्टेशन में कुछ काम है मेरे हस्बैंड को, और वहाँ से फिर हम सोच रहे हैं चलो आज गंगला सब गुरुद्वारे भी हो जाते हैं, बहुत दिन हो गए हैं और बच्चों के एग्जाम भी खत्म हो गए हैं, तन्मय की छुट्टियाँ हुई हैं, तो मैंने कहा चलो आज वहाँ भी हो जाते हैं। तो शंकर रोड थोड़ा सा काम है, वहाँ काम हो जाता है तो फिर देखते हैं, उसके बाद फिर हम गुरुद्वारे जाएंगे। बताओ बताओ क्या हो गया, कैसे मेकअप लगा रहा है? मेकअप तो अभी 44-37 पे ही है। क्या हो गया भाई साहब, 288 तो हमारे भी हो गए हैं, हल्के भी ले रहे हो क्या? अभी 288 हुए हैं, फिर होगा तो 288,000 भी हो गए। हेलो वाइस कर दो अभी। हेलो वाइस, हेलो हेलो वाइस, इनको बोलो हेलो गाइस कर दो, तो हेलो गाइस ही करते हैं, उससे अलावा कुछ नहीं करेंगे। एक हफ्ते का कंटेंट पूरा हो गया। अरे शर्मीले आदमी है, इतना शर्मीले है ना, कैमरा शाये हैं, बच्चे इन्हीं पे चलेंगे मेरे। मेरे का भी रिजल्ट आने वाला है जी नेक्स्ट फ्यू डेज में। पास तो है भाई, हमें पास तो हमें पता है तन्मय है, मगर हमें तन्मय से और एक्सपेक्टेशन है पोजीशंस की, फर्स्ट आए या सेकंड आए क्लास में। अब देखो इसका रिजल्ट आएगा तो क्या पता लगता है। स्कूल चालू कर दिया, 18 से रिजल्ट है और 20 से स्कूल स्टार्ट कर दिया है ऑनलाइन ही। बच्चों को बिल्कुल इन्जॉय नहीं करने देते लाइफ, मुंबई वाले कान पकड़ देंगे। गाड़ी ऐसे चल रही है जैसे चींटी रेंग रही हो, धीरे 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 धीरे। मुंबई वालों का बहम दूर हो जाएगा। स्कूटी पे जाओ इधर उधर निकल तो जाती है, स्कूटी पे चार बंदे बैठ नहीं सकते, मगर हम इसलिए गाड़ी निकाली है आज। गाड़ी में कहीं भी जाना हो मतलब है 1 से 1.5 घंटा खराब होना। कई गाड़ी वालों को इतनी जल्दी होती है, आगे रास्ता जाम लगा हुआ है और पीछे से पी 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 करके दुखी कर दो दूसरे बंदे को। बंदे ये अभी बजाया जा रहा है हॉर्न। तो गाइस हम ये आ गए हैं फायर स्टेशन, हमें काम है जो हम बैठे हैं गाड़ी में और सुनील जी चले गए हैं कुछ पूछने के लिए, कुछ क्वेरी करनी है। मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ जो है ना फायर ब्रिगेड में थे, तो पेंशन जो है यहीं से लगी हुई है इसी फायर स्टेशन से, तो उससे रिलेटेड ही कुछ बात करने गए हैं। अब आते हैं तो देखो क्या बात करके आते हैं, पता चलेगा। गाइस हम गुरुद्वारा पहुंच गए हैं मंगला साहब, हम हैं रोड के इधर और गुरुद्वारा है रोड के उधर। तो गाइस गाड़ी खड़ी करती है पार्किंग में और ऊपर जा रहे हैं मत्था टेकने गुरुद्वारे में। गुरुद्वारे कभी भी आ जाओ, आपको यहाँ की पार्किंग ना फुली मिलेगी। गाइस गुरुद्वारे में भीड़ देख लो आप कितनी हो रही है। गाइस यही दिखा रही हूँ आपको, फिर अंदर तो फोन अलाउड नहीं होगा, तो मत्था टेक के आ रहे हैं। सुनील जी प्रसाद लेके आ रहे हैं सामने से। अब यहाँ के थोड़ी देर सरोवर के पास बैठ गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के। यहाँ से देखो गुरुद्वारा कितना सुंदर लग रहा है, पूरा गुरुद्वारा दिख रहा है। गाइस ये कड़ा प्रसाद लेने की लाइन लगी हुई है, लंगर करने जा रहे हैं। अगर भीड़ नहीं हुई तो, भीड़ हुई तो नहीं करेंगे ना, और भीड़ नहीं हुई तो फिर लंगर करेंगे। आज भीड़ है, पता नहीं संक्रांत है क्या है, कुछ है आज गुरुद्वारे में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। ये जी बंगला साहब के अंदर ही म्यूजियम है जो अभी बना है, थोड़ा टाइम हुआ है, बहुत सुंदर म्यूजियम है, आके देखें।
प्लेस लंगर करके मत्था टेक के वापस घर जा रहे हैं हम लोग। छोटे घर में देख लो जी कितनी भीड़ हो रही है। तनिश आपको गुरुद्वारे जाके कैसा लगा आज? वेरी पीसफुल, वेरी अच्छा। तनिश बहुत दिन से बोल रहा था बंगला साहब चलो, बंगला साहब चलो। आज बंगला साहब हम आ ही गए, उसको भी मत्था टिका ही दिया हमने। लंगर तो हमने करा गुरुद्वारे में और अब हम आइसक्रीम खा रहे हैं। तनिश जा रहा है आइसक्रीम लेने, आइसक्रीम इंजॉय करते हुए। तनिश कौन सी आइसक्रीम खा रहे हो? चॉकलेट। ये देखो जी, ये सो गई है हमारी मैडम। वैसे इनको बड़ा शौक है घूमने का और गाड़ी में बैठते इनको नींद आ जाती है। थोड़ा सा घूमते ही थक जाती है। अरे थोड़ा सा सिर में दर्द होता है गर्मी से। अरे तुम्हारे सिर में दर्द बड़ी जल्दी होता है भाई। Later that same evening. तो गाइस आ गए हैं वहां से घर, और घर आके मैं सो गई थी, एक डेढ़ घंटा सोई हूँ। अब उठी हूँ क्योंकि ना थकावट हो गई थी बहुत ज्यादा। आते वक्त हमें पंजाबी वाक के पास इतना जाम मिला है ना, कुछ कहने की थी। इतनी भीड़ हो रही थी, इतनी भीड़ हो रही थी। एक रेड लाइट पे तो हम कम से कम 20 से 25 मिनट खड़े थे। दुखी हो गए, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, कुछ कहने की हद नहीं। मतलब कहीं बाहर निकलना है दिल्ली में तो परेशान होने वाली बात है। और गुरुद्वारे हुए हैं, मत्था टेक लिया, और जो काम से गए थे शंकर और वो काम हुआ ही नहीं हमारा। और अब मैं अपनी वीडियो की यही करती हूँ एंडिंग। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तो गाइस अगर मैं दिल्ली में भी कहीं ट्रैवल कर रही हूँ ना, मेरे को ऐसी आदत है गाड़ी में, मेरे को बैठते ही ना ऐसे स्मेल चढ़ जाती है गाड़ी की, पता नहीं क्यों। अगर दिल्ली में भी मैं कहीं जा रही हूँ ना, तो मेरे को वॉमिट की एक गोली आती है एवोमाइन, वो मैं खा के ही बैठती हूँ ताकि मुझे वॉमिट ना आए। उससे ऐसा टचवुड हो भी जाता है कि जो है ना, मतलब मेरे को वॉमिट आती नहीं है फिर। और जो है ना, बस ट्रैफिक इतना था कुछ कहने की हद नहीं। जो है हमारे आगे भी, हमारे पीछे एक एम्बुलेंस आ रही थी। आपको एम्बुलेंस की बात, हमारे पीछे एक एम्बुलेंस आ रही थी, वो एम्बुलेंस पीछे उसने सायरन बजाया अपना, उसका कंटिन्यू उसका सायरन बज रहा था, जो कंटिन्यू एम्बुलेंस वाली बज रही थी। मगर हमारे आगे गाड़ियाँ जो है ना, वो टस की मस नहीं हो रही थी। सुनील जी हॉर्न बजाए जा रहे थे कि भी कोई गाड़ी हिले तो वो अपनी गाड़ी हटाएं, मगर आगे वाली गाड़ियाँ नहीं हटा रहे थे। यार ये चीज़ करा करो कि अगर पीछे एम्बुलेंस आ रही है, जो आगे गाड़ियाँ खड़ी है ना, कम से कम वो आगे से चालू कर दिया करो। क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि वो गाड़ी अगर आप आगे कर लेते हो, रेड लाइट क्रॉस भी कर लेते हो, तो उसका चलान नहीं होगा। क्योंकि पीछे अगर एम्बुलेंस आ रही है, अगर आप एम्बुलेंस को अगर आप रास्ता दे रहे हो ना, तो आपका चलान नहीं होगा। और पीछे एम्बुलेंस है, उसमें कोई बंदा क्या पता उसके लिए कितनी, उसका एक एक पल जो है उसके लिए कीमती होता है। जो है वो बेचारा किस हालात में है, क्या सिचुएशन है, उसने एम्बुलेंस वाले पीछे से बेचारा वो हॉर्न पे हॉर्न बजाया जा रहा है, आगे वाले गाड़ी नहीं हटा रहे, तो हम जैसे भी जो बीच में खड़े हैं वो क्या कर सकते हैं। तो यार ऐसे मत करा करो, अगर कोई एम्बुलेंस आए तो प्लीज उसको रास्ता दे दिया करो। खत्म, बाय बाय, टाटा।